हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में जो है सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो होता है न्यूटन्स लॉ। ये काफ़ी इजी होता है, इसको हम लोग क्लास सिक्स से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका यूज जो है हम लोगों के बड़े से बड़े कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। इससे जुड़े सवाल जो है, न्यूमेरिकल सवाल जो होते हैं वो हमारे बड़े से बड़े कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले समझ लेते हैं, इसके लॉ क्या है। पहला नियम जो है, फर्स्ट लॉ है, इट स्टेट दैट ए पार्टिकल which is not acted upon by any external forces। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में या फिर इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो अपने मन से चलता हो। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करके उसके इस स्टेट को चेंज ना किया जाए। ठीक है, आगे हम लोग लिख सकते हैं इट मेंटेन्स, ये बनाए रखती है इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो दोस्तों, हम लोगों का पहला नियम यही है कि अगर कोई पार्टिकल विरामावस्था में है, मतलब रुका हुआ है, तो वो रुका ही रहेगा, अगर कोई चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है, इट स्टेट दैट ए पार्टिकल विच इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स से कोई पार्टिकल जो है एक्ट नहीं करता है, मतलब वो एक्शन में नहीं आता है। इट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करेगा। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके गति या फिर उसकी अवस्था को परिवर्तित ना किया जाए। ठीक है।